Good afternoon. I welcome you all in day four session three. It is MS Excel. How to maintain your data in MS Excel. We will discuss about it. मैं ये report one पर मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है? ये क्या लिखा है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है. मैं जल्दी जल्दी आपको ये सब इंट्रोड्यूस कराते हुए चलता हूँ. इधर मैंने एक सेट डेटा बना रखा है जिसमें ये बता रहा है कि एक जेंडर है, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है, उनका कुछ परसेंटेज निकला हुआ है. फिर इधर बढ़ते हैं, अगले सेट पे चलते हैं जहाँ पर मैंने टोटल रिस्पॉन्सेज लिखे हुए हैं. एज ग्रुप वाइज लिखा है कि जो लेस देन 18 ईयर्स है उनका क्या है, इस तरह के कुछ डेटा यहाँ दे के रखा हुआ है. ऐसे ही फिर यहाँ पर टोटल रिस्पॉन्सेज हाइएस्ट क्वालिफिकेशन वाइज मैंने कैलकुलेट किया हुआ है. आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वाइज कुछ डेटा रखा हुआ है. मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्या था करके. अभी आपको कुछ बहुत समझ में नहीं आएगा. फिर हमने लिखा है कि टोटल रिस्पॉन्सेस डिवाइसेस ऑब्लिक टूल्स यूज्ड फॉर एक्सेसिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ऐसा कुछ इसकी हेडिंग लिखी है. और नीचे आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह लिखा है. इसमें 40 लोग थे, इसमें ऐसे थे, आईफोन में जीरो था, समथिंग कुछ. और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है? दिख रहा है आपको स्क्रीन टोटल यहाँ लिखा है लर्नर्स इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, है ना? कुछ इसमें भी लिखा है कि जो लर्नर सर्टिफिकेट डिप्लोमा में है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी स्कॉलर है, नॉट ए स्टूडेंट ऑफ दैट सेट ड्यूरेशन, उस दौरान नहीं रहे हैं. फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. मैं एग्जाम्पल के लिए ये सब दिखा रहा हूँ. ऐसे कुछ यहाँ भी रखा हुआ है, इस पर बात नहीं करेंगे. अब रिपोर्ट टू पे चलते हैं. ये देखिए रिपोर्ट टू पे पहुंच गए, ठीक है? मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ सबसे पहले. मैंने कुछ सवाल पूछे हैं यहाँ पर, ठीक है? डू यू नो द कंप्लीट नेम ऑफ यूर यूनिवर्सिटी वेबसाइट? मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ. वी हैव डन, हमने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ सर्वे हम कंडक्ट कराए हैं. उस सर्वे के कुछ रिकॉर्ड हमारे पास आए, कुछ आंकड़े हमारे पास आए, और उन आंकड़ों को हमने एक्सेल में एनालाइज किया है, राइट? तो इसमें इस सवाल में जो है यस कहने वाले जो है 69 लोग हैं, नो कहने वाले जो है 4 हैं. ये मेल की बात हो रही है. फीमेल में बात करें तो 68 लोग कहते हैं हाँ हम जानते हैं, और फीमेल की बात करें तो 12 लोग परसेंट, मतलब नंबर ऑफ यू नो रेस्पोंडेंट, वो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं. हमने कंसोलिडेट किया तो 137 लोगों का कहना है कि हम ये जानते हैं, और 16 लोगों का कहना है नहीं जानते हैं. ऐसे ही हमने कुछ और भी सवाल पूछे, देख रहे होंगे आप सब, उनका डेटा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ. फिर हमने उन्हीं पार्टिसिपेंट से फिर कुछ सवाल पूछे हैं. ई सर्विस सेटिस्फेक्शन इंडिकेटर्स, कि जो सर्विसेज यूनिवर्सिटी दे रही है आपको, उन सर्विसेज से आप कितना सेटिस्फाई हैं, दैट इज ग्रेडिंग स्केल कहते हैं इसको. अगर आप लोग रिसर्च से रिलेटेड कुछ बातें जानते होंगे, ये 5 पॉइंट ग्रेड स्केल पर हमने उनको कैलकुलेट किया हुआ है. हमने पूछा कि ऑनलाइन एडमिशन से आप कितना संतुष्ट हैं, तो उसमें से मेल का जो परसेंटेज है उसमें से 46 मेल का ये कहना है कि हम बहुत ही खुश हैं, 20 मेल्स का ये कहना है कि ना समहाउ सेटिस्फाई हैं, 5 रेस्पोंडेंट्स का ये कहना है कि परसेंटेज नहीं है, वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, हमें नहीं पता, पता नहीं क्या, मैं नहीं जानता. 2 लोग कहते हैं कि हम डिससेटिस्फाई हैं, और 0 का कहना है कि हम एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह रहा है कि एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई है. ऐसे ही फीमेल का भी ऐसे ही कंसोलिडेट है. मैंने ये पूरा करीबन कितने सवाल थे, 12 या 13 सवाल हैं इसमें, 12 क्वेश्चन है ये मैंने जो सेलेक्ट किया है. ऐसे हमने पूछा कि कंप्लेन और जब क्वेरीज होती हैं तो क्या वो आपकी टाइम से रिजॉल्व हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी हमने पूछा था. तो मुझे लगता है उसमें लोगों ने कहा कि नहीं, ये हम इससे बहुत असंतुष्ट हैं. मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने पूछा है, ये है ना कंप्लेंट समथिंग कुछ यहाँ पर है, कहाँ पर है कंप्लेंट, ये है, ये देखिए कंप्लेंट में हमने पूछा, ये देखिए यानी कि हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है, एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई है आपकी कंप्लेंट और क्वेरी रिजॉल्व जो आपकी सर्विस है उससे. बहरहाल ये दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या था, ऐसे ही फिर मैं और दिखाऊंगा. रिपोर्ट 3 मैंने जनरेट किया हुआ है, इसमें भी हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें पूछ रखी हैं. एज ग्रुप वाइज डेटा रखा हुआ है, और ऐसे ही हमने जो है रिपोर्ट 4 में भी कुछ जनरेट किया हुआ है. क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम 12th पास लोगों का क्या मत है, ग्रेजुएट लोगों का क्या मत है, पीएचडी स्कॉलर्स का क्या मत है. ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो मैंने ये हमने लिया है जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनका क्या राय है इन सवालों के बारे में, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनकी क्या राय है, ठीक है? और ऐसे ही मैंने फिर पूछा है, सेम सवाल फिर पूछे हैं कि किस अकॉर्डिंग लोगों से पूछे हैं, जो लोग इस वेबसाइट को
या तो जो है लैपटॉप से इस्तेमाल करते हैं या फिर एंड्रॉयड मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर और डेस्कटॉप या लैपटॉप से इस्तेमाल करने वाले लोगों से भी ये सवाल पूछें, और जो मोबाइल डिवाइस स्पेशली एंड्रॉयड मोबाइल से पूछते हैं, यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को, उनसे भी सवाल पूछें। देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, क्या डू यू अवेयर अबाउट द वीडियो लेक्चर लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका भी एक स्टोरेज है और वो उसका लिंक वेबसाइट पे दिया गया है, तो क्या आपको पता है कहाँ है। 20 लोग कह रहे हैं कि हाँ पता है, और वही 20 लोग कह रहे हैं नहीं पता है। ठीक है, जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप से जो है साइट एक्सेस करते हैं, वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ये रियल रियल यू नो स्टैटिस्टिक्स है, ये एक्चुअल सर्वे, इस पे हमारे रिसर्च आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है। एंड्रॉयड मोबाइल से जो लोग हमारी वेबसाइट को यूज करते हैं, 58 लोगों का कहना है कि हमें नहीं पता कहाँ है, सॉरी हमें पता है वो लिंक कहाँ पर है, 55 लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। सो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्या मैं आपको अपने रिसर्च के आंकड़े साझा करना चाह रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ये और भी दिखाना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें हमने करी हैं, और इधर रिपोर्ट 8 भी है मेरे ख्याल से कुछ। तो ये सब दिखाने का उद्देश्य ये था कि हम ये बात समझ पाए कि एक्सेल हमारे लिए क्या क्या काम कर सकता है। ये मेरा रॉ डेटा है, मैं आप ओरिजिनल में आया, आपको दिख रहा होगा ओरिजिनल, ठीक है। इस रॉ डेटा में से मैंने इतनी सूचनाएं निकाली, देखिए कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड हैं, 100 से ज्यादा कुछ रिकॉर्ड थे, 154 रिकॉर्ड्स हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है, मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, क्या आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, ये जी डेटा सर, है, देखिए मैं डेटा मूव कर रहा हूँ, ये डेटा मेरे पास आया हुआ है, यस नो कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, देख रहे हैं। मैंने वो सारे रिकॉर्ड्स जो है, वो सारे रिकॉर्ड्स जो आपको मैं अभी दिखा रहा था, इस रॉ डेटा में से फॉर्मुलेट करे हैं, फाइंड आउट करे हैं, निकाले हैं। सो क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह का काम आप सेल्फ से कर पाए और भी बेहतर कर पाए? जो मैंने किया है वो कोई लिमिट थोड़ी है, आप उससे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, हो सकता है आप कर भी रहे होंगे, और हो सकता है आप आगे आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको डेटा मेंटेन करना, डेटा में से इंफॉर्मेशन फाइंड करना, अकॉर्डिंगली सूचनाएं यू नो एक्सट्रैक्ट करना आप सीखेंगे। सो माई इंटेंशन वॉज टू शेयर द एग्जाम्पल टू नो हाउ टू डू, हाउ एक्सेल वर्क्स फॉर अस टू मैनेज डेटा, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू फाइंड आउट द पैटर्न्स, टू फाइंड आउट द डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द हिडन यू नो डेटा सेट्स, जो डेटा सेट आपका हिडन है उसमें से आपके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करके ला सकता है। सो दैट वॉज माई इंटेंशन टू शेयर दिस एग्जाम्पल। अब मैं इस एग्जाम्पल के बिहार पर हम एक्सेल पर चलते हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ बहुत आपको एक्सेल आता है, उस बेसिक जो थिंग्स हैं उस पर मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में ब्रीफ में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको साझा कर देता हूँ कैसे कैसे ये हम सब काम कर सकते हैं, और जितना भी हमें समय मिलेगा आई विल ट्राई टू शेयर सम ऑप्शंस, हाउ टू प्रैक्टिस देम, हाउ टू यूज देम, हाउ टू एक्सट्रैक्ट योर डेटा सेट्स फ्रॉम द हिडन डेटा सेट। ओके लेट्स मूव, क्या मेरा आपको ब्लैंक स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? शायद नहीं हो रहा है, यस मैं दोबारा से दूसरी फाइल शेयर करता हूं ताकि आपको आसानी होगी देखने में। ये है हमारा टेस्टिंग डेटा सेट पर हम गए, ओके ये दिख रहा होगा। सो ये हमारा स्क्रीन है, इसको हम सेल कहते हैं, राइट। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ये हमारे रोज हैं, ये आप जानते हैं। मैं ब्रीफली जो लोग नहीं जानते होंगे, इंट्रोड्यूस नहीं है, ये रो 1, रो 2, रो 3, ये तकरीबन तकरीबन 10 लाख से ज्यादा रोज इसमें हैं, ऐसे करीबन 16,000 समथिंग इसमें कॉलम्स हैं, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है अभी। ये ए बी सी डी इनके कॉलम के नेम हैं, ये जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आप देखेंगे कि ये ए ए से फिर से शुरू हो जाएगा, फिर ए बी, ये देखिए मैंने कहा था ना, ए ए ए बी ए सी, है ना, ऐसे करके ए जेड हो जाएगा, फिर उसके बाद बी ए बी बी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेमिंग सेल, नेम सेल भी कहते हैं, ठीक है। आप हम देख रहे हैं जिस भी सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, देखिए
ठीक है, तो ऐसे ही मुझे चाहिए कि मैं टी कॉलम के और 13 रो में चले जाऊं, तो आई हैव टू राइट हियर। अच्छा ऑटोमेटिक चले गया था, मैं वी का 2 लिखता हूँ, वी 2 में चले जाऊं मैं, वी टू देन मेक एंटर सी। सो वी कॉलम 2 रो 3 रो 4 रो। सो ये हमारा नेम सेल है, इसको हम एड्रेस बार कहते हैं, या यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, वट एवर यू मे राइट हियर राइट। ठीक है, ये हमारा रिबन है, आप जानते हैं, ये हमारे टैब हैं, तमाम सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें। और अगर हम आप अपने अपने कॉलम की साइज विड्थ कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाइए, ये जब ऐसा कुछ एरो काइंड ऑफ आपका कर्सर बन जाए, तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, राइट। मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट जो हमारा ये है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है ए से लेकर के जो एच तक है, इनकी साइज एक साथ थोड़ा सा बढ़ा दूं। और मुझे अनुमान नहीं है मैं कितना बढ़ाऊं, मैंने सबको एक साथ सिलेक्ट किया, बढ़ा दिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं टाइप करके बढ़ाऊं, फिक्स बढ़ाऊं, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ कहीं पर आपको दिख रहा होगा कॉलम विड्थ, राइट। आप इसको 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने कहा इसको मुझे 13 करना है, और सब जितने सेलेक्टेड हैं इतने कॉलम 13 साइज के हो गए, करेक्ट। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं अभी यहाँ पर, तो आपको रो और कॉलम का फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे आएगा नहीं, इसमें जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे, मैंने आपको लिखा नेम क्लास मोबाइल सिटी स्टेट ऐसे कुछ लिखा, पता है। अगर मैं इनमें कुछ वैल्यूज भर दूं, ठीक है, मैंने लिखा नेम में दीपक, क्लास मैंने लिखा, मैंने कहा आप एमसीए कर रहे हैं, मोबाइल मैंने लिखा 9837219933 वट एवर, सिटी मैंने लिखा भोपाल, ठीक है, स्टेट मैंने लिखा एमपी, राइट। सो अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर दूं, मैंने कहा 2-3 बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट करने का तरीका है, माउस का बटन दबाइए और खींच के आप उसको जो है मूव कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। सो लेट अस, अगर मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ रो और कॉलम के फॉर्मेट में ये प्लेन आएगा, आप चाहते हैं रो और कॉलम के फॉर्मेट में प्रिंट होए, तो आपको यहाँ पर जाके बॉर्डर ऑन करना है, दैट इज, ठीक है। अब आपको इस पे रो और कॉलम मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर हो, इसके रो की साइज बढ़ जाए, तो वही सब कुछ करना है, ये सेलेक्ट किए, या तो आप रो की साइज ऐसे बढ़ा दीजिए, मैंने मूव किया, देखिए सेलेक्ट करने के बाद जितने सेलेक्ट हैं सारे एक साथ बढ़ जाएंगे, अन्यथा आपको क्या करना है, आपको एक एक रो की साइज बढ़ानी, देखिए मैंने बहुत बढ़ा दी, ठीक है। तो लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, और मैं समझता हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं इस सेशन के बाद से वो दूर हो जानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इन इन कॉलम्स में जो, सॉरी, इस रो या कॉलम में, इस सेल में, बेसिकली दैट इज कॉल्ड सेल, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट्स, जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम सेल कहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है सिटी को बीचों बीच में आना चाहिए था, कैसे आएगा? सो इसका तरीका ये है, दो तरह का इसमें अलाइनमेंट है, एक है हॉरिजेंटल एक है वर्टिकल, ये देखिए ऐसे वर्टिकल भी है, हॉरिजेंटल भी आ गया और वर्टिकल भी आ गया। आप चाहते हैं सारे सेंटर में आ जाए, सेलेक्ट देन डू इट, हो गए सब सेलेक्ट, हो गए सेंटर में, हो गए। आप चाहते हैं इसके ऊपर हेडिंग लिखना है, ये तो सब अलग अलग सेल है, अमूमन मैं देखता हूँ एक्सेल में लोग ऐसे लिख देते हैं, ये सब ऐसे करके आ जाते हैं, राइट। तो पता आपको लग रहा है एक सेल है, जबकि ये इस सेल में लिखा गया, इसमें कुछ नहीं, इसमें डिलीट कीजिए कुछ नहीं होगा, इसमें डिलीट कीजिए कुछ नहीं होगा। सो ये सब चीजें भी समझने की, अगर मुझे चाहिए कि इसको मर्ज कर देना है, सेलेक्ट कीजिए, मर्ज मतलब एक कर देना है, मिला देना है, यहाँ पर आ रहा होगा देखो मर्ज, दैट इज मर्ज, अब ये पूरा एक सेल हो गया, आप जो इसमें लिखेंगे, मैंने लिखा टेबल 1, राइट, ये पूरा एक है। आप चाहते हैं इसको अनमर्ज करें, क्लिक कीजिए दोबारा से, अनमर्ज हो जाएगा, अलग अलग हो गए। सो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जहां पर हम ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। रो का हाइट बढ़ाना, साइज बढ़ाना, कॉलम का हाइट बढ़ाना, कॉलम का साइज इधर उधर करना, ये सब चीजें आनी चाहिए। जैसे मुझे ये गलती हो गई, इसे मूव करके लास्ट में ले जाना, ये पकड़िए, ये एरो आ रहा है, इसमें चार तरफ को एरो है, मूव करके लास्ट में रख दीजिए, देन ठीक है, ये हटाना है, सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, डिलीट, हट गया। आपको सिटी वाला बाद में ले जाना है, ठीक है, आपको सिर्फ भोपाल भोपाल को ले जाना है, ठीक है। इस पे 2-3 ऑप्शन अलग अलग आते हैं, मैं आपको सेल के बारे में बता दूं,
देखो सेल को मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, एक चीज है, मैं चाहता हूँ इस ए बी सी को ऐसे मूव कर दिया। आप मूव तब करेंगे जब आपका माउस का पॉइंटर जो कॉर्नर है, चार के चार तरफ को एरो दिख रहे होंगे। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ, लेकिन एक ही डायरेक्शन में एक बार, या तो अपसाइड जा रहा या लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा। देखिए ये यहाँ चले गए, मैं चाहता हूँ ये कॉपी हो जाए, एबीसी जो इसमें लिखा है दैट शुड बी कॉपी। तो आप इस प्लस वाले में ले जाइए, आपका अमूमन कर्सर, देखिए इसमें तीन तरह का कर्सर आता है, कर्सर नंबर वन, कर्सर नंबर टू, कर्सर नंबर थ्री, ठीक है। फोर्थ टाइप का भी कर्सर आता है, ये माउस का पॉइंटर बता रहा हूँ, माउस का पॉइंटर वन, माउस पॉइंटर टू, देखिए पतला तरह का प्लस का साइन आ रहा है, एंड माउस पॉइंटर थ्री, और फोर्थ तरह का भी माउस का पॉइंटर आता है व्हेन द सेल इज एक्टिव। ये देखिए फोर्थ, मैंने डबल क्लिक किया इस पे, ठीक है। अगर मैं डबल क्लिक नहीं करता, मैं इस पे लिखना शुरू कर देता हूँ कुछ, देखिए पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा। ये बहुत गलती लोग करते हैं, मैंने लिखा अमित, पहले वाला हट गया, राइट। मैं चाहता हूँ ये एक्टिव सेल था अभी तक, मैं चाहता हूँ अमित हटे ना, मैं लिखूं तो अमित के आगे या पीछे कहीं लिखा जाए, तो आपको सेल को पहले एक्टिव करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टेड सेल, दैट सेल इज सेलेक्टेड। अगर आप चाहते हैं कि अमित के बियॉन्ड या अमित के आगे कहीं लिखना शुरू करें या पहले लिखना शुरू करें, तो पहले आपको सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। उसके दो तरीके, या तो डबल क्लिक कीजिए, मैंने डबल क्लिक किया, या आप सेल को सिलेक्ट करने के बाद F2 प्रेस कर दीजिए, राइट। स्पेस, मैंने कहा सिंह, अमित सिंह, राइट। सो मैंने क्या बताया आपको, हमारे पास किसी सेल एक्सेल में जो माउस का पॉइंटर है वो चार तरीके का बिहेव कर सकता है, ठीक है। वन, जब सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट है, ये कॉमन एक्सेल का कॉमन माउस पॉइंटर, देख रहे हैं मोटा सा प्लस आ रहा है ये, तब जब आप उसकी कॉपी करेंगे, ये चार तरफ को एरो वाला तब जब आप उसको मूव करेंगे। देखिए मैं अब इसे कॉपी करने के विचार में हूँ, मैंने कॉपी कर दिया, चार जगह कॉपी हो गया, पांच जगह कॉपी हो गया, टोटल पांच हो गया, ठीक है। और ये तब जब सेल एक्टिव होगा, ओके, आई थिंक समझ में आ गया। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट दबा दीजिए, हट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बतानी है कि हम किस तरीके से इसमें ड्रैग ड्रॉप करते हैं। मैंने यहाँ पर सीरीज क्रिएट करनी, वन लिखा, अगले वाले में मैंने थ्री लिखा, ठीक है। अगले वाले में मुझे अगर इसी गैप में लिखना है तो क्या आना चाहिए, कितने कितने गैप है, टू का गैप है, तो मुझे पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सेलेक्ट किया और ये कॉपिंग पैटर्न है, इसको जब प्लस का साइन आएगा तो आप इसे मूव कर दीजिए। देखिए अगला क्या आ रहा है, टू टू के गैप में आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से मैंने वन लिखा और यहाँ पर टू लिखा, मुझे सीरीज क्रिएट करनी है, सो मैंने ऐसे करके इसको मूव कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। सो मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा था कि एक्सेल हमारे लिए बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली करता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन बातें थी जो मैंने एक्सेल में आपको बताई, जो है किस तरीके से हम नई जो है रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप चाहते कि सीटी से पहले एक कॉलम और आ जाए, आप उसका कुछ और नाम रखना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाइए, इंसर्ट, राइट क्लिक कीजिए, कहाँ पर, सी पर, या इस पर, डी से पहले चाह रहे हैं, जिस किसी से पहले आप चाह रहे हैं, मुझे बी से पहले चाहिए, मैं सी डी से पहले चाह रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक, इंसर्ट, क्या ऑटोमेटिकली क्या इंसर्ट हो गया, कॉलम। आप इसका कुछ नाम रख दीजिए, मैंने इसका नाम रख दिया ईमेल, मैं चाहता हूँ कि मुझे ईमेल यूज करना है, लोगों के ईमेल भी स्टोर करने हैं, राइट। आप चाहते हैं कि जो दीपक, ये वाले जो दीपक हैं, इनका नाम मैंने दीपक 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 भट्ट कर दिया, राइट। मैं चाहता हूँ दीपक भट्ट से मुझे एक पहले एक और नाम एंटर करना था, और मेरे पास तो जगह ही नहीं बची है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो इनको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, और इसको जब एरो ऐसा है मूव कर दीजिए, मूव कर दिया, ठीक है। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए, रो फोर्थ पर, दीपक भट्ट से पहले चाहिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट, राइट, नई रो इंसर्ट हो गई, आपसे गलती से इंसर्ट हो गई, अब क्या करें सर, ये तो गलत हो गया, इसी पर राइट क्लिक कीजिए, इसको डिलीट, करेक्ट। मैंने कहा था ना प्ले विथ एक्सेल, तो हम एक्सेल से गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं एक्सेल के साथ, ओके। अच्छा लगा आपको, ठीक है, क्या मुझे इजाजत है कि हम आगे की तरफ बढ़े, कुछ और बातचीत करें, कुछ एडवांस चीजों पर जाएं,
ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें मैंने आपको बताई। यहां पर आपको दिख रहा है शीट वन शीट टू, ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड न्यू शीट। सो हर शीट में आपको रो और कॉलम मिलेंगे। ये देखिए फिर से शीट आ गई, ये देखिए फिर से शीट आ गई। तो देखिए एक्सेल हमारे लिए कितना लाभदायक है कि हम एक्सेल में कितना तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तमाम तरह के उसके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, टू मेनी ऑपरेशन वी कैन डू। आपको ये पूछना चाहिए मुझसे, सर ये शीट 1 2 3 4 क्यों आ रहा है? ये बाय डिफॉल्ट नेम है, जैसे एमएस वर्ड की आप फाइल खोलते हैं तो उसका नाम आता है डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट टू। आप इसको बदल दीजिए, इस पे राइट क्लिक, इसे डबल क्लिक कीजिए या राइट क्लिक कीजिए, रीनेम करके आएगा समवेयर। देखिए रीनेम आ रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया रिजल्ट। ओके मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने शॉप, मेरे शॉप का डिटेल है इसमें, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने इनकम, मेरे चार्ट हो, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने एक्सपेंसेस, वट एवर जो आप चाहते हैं, ठीक है। नाम चेंज हो गए। अब आपको चाहिए कि सर ये इनका भी क्या मूवमेंट हो सकता है? यू मे आस्क टू मी, सर ये सीट भी आगे पीछे हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। देखिए इनकम वाली सीट खाली है, रिजल्ट वाली सीट खाली है, शॉप वाली खाली है, सीट टू में कुछ डेटा दिख रहा है जो हमने अभी फिल किया है, और सीट वन में मैंने पहले से आपके लिए कुछ डेटा रखा है ताकि हम कुछ ऑपरेशन आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस डेटा को एक जगह और कॉपी कर सकता हूँ? मीन्स कैन वी कॉपी अ सीट? राइट क्लिक, यस ऑब्वियसली राइट क्लिक कीजिए सीट के ऊपर, दिख रहा है जैसे रीनेम दिख रहा था, डिलीट सीट भी दिख रहा है, इसका मतलब क्लिक करूंगा तो सीट डिलीट हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर दिख रहा है मूव और कॉपी, ठीक है। तो मूव और कॉपी के में आप यहाँ पर पहले तो कॉपी वाले को चेक कर दीजिए, कॉपी या सीट क्रिएट अ कॉपी दिख रहा है, ठीक। आप कह रहे हैं कि ये कहाँ मूव होंगे, कॉपी तो होगी लेकिन कॉपी कहाँ होगी? शॉप से पहले शॉप के बाद ये सीट के नाम आ रहे हैं सब, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए कब कहाँ करना है, ठीक है। मैंने इसको क्लिक कर दिया, देखिए देखिए सीट वन, ये एक जैसा डेटा है दोनों में, दो सीटें बन गई, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक कर दीजिए इस पर, मैंने इसका नाम रख दिया मेन, ये मेरी मेन शीट है, तो नाम चेंज हो गया, ठीक है। सो मैं कुछ डेटा आपके लिए पहले से अरेंज करके लाया हूँ। इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, एकेडमिक सेशन रखा है, कुछ मेरे पास स्टोर किया हुआ था पहले से, रीजनल सेंटर रखा हुआ है, कुछ स्टडी सेंटर रखा है, कुछ प्रोग्राम का नाम रखा है, कुछ प्रोग्राम कोड रखा है, और कुछ रखा है क्या ईयर या सेमेस्टर, और रखा है नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके सो इसमें कुछ खेल करें, अभी तक ठीक चल रहा है? जी सर, अरे सब सो गए क्या? आप सो जाओगे तो मुझे नींद आ जाएगी। आर यू गेटिंग हो रहा है? यस एम आई ऑन राइट ट्रैक? परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू। तो हम अब इस डेटा में कुछ खेल करते हैं, राइट। पहला तो मुझे लग रहा कि ये जो रो कॉलम है बड़े बड़े से हो गए हैं, अजीब से खींच रहे हैं, तो जगह ले रखी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, मेरा माउस का पॉइंटर अगर आपको दिख रहा होगा, ये पूरी सीट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। क्लिक, ये देखिए एक एक बार क्लिक करेंगे तो ये पूरी सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बहुत सारा गैप है ऐसा ना दिखे ये, तो इसमें एक होता है ऑटो फिट करके समथिंग, ठीक है। मैं उसका भी जिक्र करता हूँ। पहले मैं क्या कोशिश करता हूँ कि इनके कॉलम की थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ। मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट करे ए से लेके जी तक के, और थोड़ा सा इसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ये देखिए बराबर साइज के हो गए। ओके अब मैंने कहा कि आप यहाँ पर पूरी सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, और किसी भी रो में जा करके जब इस तरह का सिंबल बन के आएगा, डबल क्लिक कीजिए इस पर, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा अपने आप से। देखिए हाँ ये देखिए, मैंने इनकी साइज, इस रो की हाइट कम नहीं करी, मैंने ऑटो फिट किया। आप सेलेक्ट कीजिए होल सीट सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद से रो पर जहां पर इस तरह का सिंबल बन के आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं सिंबल, देखिए यहाँ तो प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड ऑटो फिट। अब यही काम कहाँ से भी होता है, कॉलम से भी, ठीक है। ऊपर आ रहा है, नीचे प्लस का साइन आ रहा है, ऊपर एरो काइंड ऑफ आ रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये कॉलम भी ऑटो फिट हो जाएंगे। ओके तो मैंने जानबूझ के इस तरीके से फैला के रखा था ताकि मैं आपके सामने करके दिखा सकूं। ओके और मैंने बॉर्डर इसमें पहले से अप्लाई कर रखे हैं, कितने रिकॉर्ड हैं ये देखिए, रो में नंबर लिखा रहा है, कंटिन्यूएशन में है, 1 3 5 तक समवेयर है, पहला हमारा एक हेडिंग रो है, ठीक है। अच्छा मैं इसको मूव करके लास्ट में जाके पूछूं, बताइए ये 16 क्या लिखा है, आप बता पाएंगे? आपको इसकी हेडिंग देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने गौर किया, मैंने आपके सामने सामने कुछ किया था थोड़ी देर पहले, शायद आप नहीं देख पाए। आप चाहते हैं कि कहां से आगे को आपका जो रो का मूवमेंट रुक जाए,
मैंने कहा जब भी मैं नीचे को जाऊं ये वाली रो जो येलो मैंने करके मुझे दिखती थी, तो मुझे पता लगे किस कॉलम में क्या वैल्यू रखी है। तो अपना माउस का कर्सर यहाँ पर रखिए इस पे, और यहाँ पर जाइए व्यू में, ठीक है। व्यू में जाने के एक जगह आता है फ्रीज पेन, आ रहा है फ्रीज पेन, इसको कर दीजिए। फ्रीज पेन का पहला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मैंने मूव किया मूव किया मूव किया, देखो पहली वाली रो जैसी थी वैसी है, बाकी सब मूवमेंट आ रहा है। 53 देखो, 55, 57, ये कितना कारगर है, छोटा सा ऑप्शन है। हम कई बार एक बार मैं फिर से बता फिर दीजिए। से बता देता हूँ, पहले मैं इसको हटाता हूँ फिर करके दिखा। देखो आपको अभी कुछ पता लगा कि मैं जब अपने रिकॉर्ड्स को मूव कर रहा हूँ तो मेरी हेडिंग वाली रो मुझे दिख रही है, उससे मुझे ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि इस वाले कॉलम में क्या रखा होगा, क्या सामान रखा है, क्या नाम, क्या कंटेंट रखा है, एम आई राइट। अगर यस ऐसा सर, नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, मैं इसको हटाता हूँ यस। क्या, तो मुझे पता नहीं लग पाता। हाँ मैंने हटा दिया उसको, ये देखो। अब मैं कैसे पता करूं कि यार ये MCOM 17 जो लिखा है ये क्या है, किस चीज का नाम है। अभी तो चलो आपको समझ में आ गया कोर्स का नाम है, अगर जब डेटा इस तरह का होता है तो पता ही नहीं लग पाता है, राइट। इसके लिए क्या करना है, जहां से आप चाहते हैं, सपोज आपने कहा सर जो 9 नंबर का रो है उससे ऊपर का डिटेल मूव ना हो, वो स्टेबल हो जाए, तो मैंने यहाँ पर अपना अभी कर्सर रखा है, देखिए 10 में रखा है ना, 9 नहीं मूव होगा, ठीक है 10 पे रखा है। देखिए कहाँ जाना है, व्यू पे, व्यू पे कहाँ पे, फ्रीज पेन, ये व्यू है, व्यू ऑप्शन पे फ्रीज पेन पहला ऑप्शन कर दीजिए। फ्रीज पेन, फ्रीज का मतलब मैंने फ्रीज कर दिया उसको, रुक गया स्टेप। देखो ये देखो, दिखा जादूगरी है ना, ये मेरी नहीं है, एक्सेल की है, ठीक है, हमने सीखना है इसको, ओके दैट इज गुड। हटा दूंगा हट जाएगा, करिए इसको अनफ्रीज हट गया, ओके यहां से शुरू करा हमने। अब दूसरी बात आता है, अब हम सबसे पहले फिल्टर में चलते हैं, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर करना है। हमने लिखा है रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर के हमने कुछ कोड दे रखे हैं, राइट। अब हम सबसे पहले फिल्टर में चलते हैं, फिल्टर कितना मजेदार ऑप्शन है, बात करते हैं। फिल्टर का ऑप्शन अमूमन डेटा में होता है, लेकिन बाई डिफॉल्ट होम में भी होगा, इधर कहीं लास्ट में देखिए एडिटिंग वाले में ये भी है। बाय डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन है डेटा से गेम करने वाले, डेटा के साथ खेलने वाले, वो सब आपको डेटा वाले इस पे मिलेंगे। ये देखो फिल्टर यहाँ भी मिलेगा, बाय डिफॉल्ट ये इधर भी इंटीग्रेट रहता है, तो मैं यहाँ से करूँ वहां से करूँ एक ही बात है यार, फिल्टर, ओके। फिल्टर का मतलब समझते हो, चाय बनाते हो आप सर। लोग, चाय चाय बनाते हो, पानी पीते हो, फिल्टर का जी सर, वही मतलब है इसका भी, राइट। तो अब जो मैंने फिल्टर करा, आपने देखा यहाँ पर एक एरो बन के आ गया सब, राइट। सो अब मेरे हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है या ऑप्शन है या फैसिलिटी है कि मैं अपने अकॉर्डिंगली डेटा को व्यू कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं उस रीजनल सेंटर का डेटा देखना चाह रहा हूँ जिसका कोड 11 है, ये सिलेक्ट ऑल था बाय डिफॉल्ट, इसको हटा दीजिए, 11 पे क्लिक कर दीजिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का देख रहा हूँ, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ, करेक्ट, ठीक है। अब मैं ये गिन सकता हूँ, कोई मुझसे पूछेगा, आपने पूछा सर आपके जो रीजनल सेंटर का कोड 11 है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं जल्दी से यो मूवमेंट करा मैंने एक रो पे और माउस को खींच के ले गया, ठीक है ये, और यहाँ पर कहीं बता रहा, देखिए 44 है ये काउंट में आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे ऑटो फंक्शन हैं कुछ जो ऑटोमेटिक एक्सेल में काम करते हैं, इनकी भी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, ये बता रहा देखिए 44 है, ठीक है ओके। ठीक है, और आपने कहा सर नहीं, आप ये बताए कि जो आपके रीजनल सेंटर है ना ना उस पे जो स्टडी सेंटर है उसमें से पर्टिकुलर स्टडी सेंटर का मुझे देखना है, राइट। ये बाय डिफॉल्ट फिर से आ रहा है, मेरा एक स्टडी सेंटर का कोड है 11000110, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो एक फिल्टर में दूसरा फिल्टर भी अप्लाई होता है। अब मेरे पास स्पेसिफिक रिपोर्ट आ गई है, अगर मेरा बॉस मुझसे पूछेगा कि भाई आपके जो स्टडी सेंटर है 11000 उसमें कितने स्टूडेंट एनरोल हैं, तो मैं तुरंत क्वेरी लगा के बता दूंगा सर उसमें 8 स्टूडेंट है। फिर बात आती है कि आपके जो स्टडी सेंटर का कोड 11000 है उसमें MCOM के बच्चे कितने हैं, तो आप अगले फिल्टर में चले जाइए, यहां से MCOM 17 को ओके कर दीजिए, चेक कर दीजिए सर उसमें 2 ही स्टूडेंट हैं, वो कौन से सेमेस्टर ईयर में है, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है सर पहला सेमेस्टर या ईयर जो भी इनका एग्जाम का पैटर्न चल रहा होगा। क्या नाम है उसका, श्रेया, क्या श्रेया वर्मा और राहुल पाल, 2 बच्चे। सो जब हमारे पास डेटा ह्यूज अमाउंट में होता है,
ये जो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं इनकी जो महत्ता है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट। अब आपको ये हटाने हैं सर, पता नहीं कहाँ कहाँ फिल्टर लगा दिए, आप दोबारा से जाके फिल्टर में क्लिक कर दीजिए, हट जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए फिल्टर में गया, मैंने क्लिक कर दिया, सब हट गया दोबारा से। सर ये तो गलती हो गई, ऐसा थोड़ी चाह रहा था मैं, सर मुझे फिर से फिल्टर चाहिए। आप दोबारा जाके फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट किया मतलब किसी आप बटन पे रखिए और ये दोबारा फिल्टर एग्जीक्यूट हो गया। ओके चलो, आई थिंक फिल्टर आपको समझ में आ गया, दिस इज द बेसिक वर्जन ऑफ फिल्टर। फिल्टर के अगले वर्जन पर भी जाएंगे आई थिंक, बताइए। सर इसकी शॉर्ट की बता सकते हैं क्या, फिल्टर कब अगर क्या बता हमें सकते हैं? माउस नहीं यूज करना तो फिल्टर के लिए, अगर हमें सिर्फ मदरबोर्ड यूज करना है तो फिर कैसे, कौन सा शॉर्ट की यूज होता है? बहुत मदरबोर्ड की कीबोर्ड, सॉरी। कीबोर्ड यस सर। देखिए ऐसे बहुत शॉर्ट कीज तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ हॉट की होती है, मैं आपको शॉर्ट की जगह हॉट की बताता हूँ। देखो ऑल्ट दबाइए, मैंने ऑल्ट दबाया है यस सर। तो आपको कुछ दिख रहा, हर एक के आगे आगे कुछ हॉट की एग्जीक्यूट हो गई है, राइट। दिख रहा है F H N P 1 2 समथिंग दिख रहा है कुछ? हाँ जी सर। हाँ तो क्या कह रहा हो, डेटा के आगे क्या है, ए समथिंग लिखा हुआ दिख रहा है, यस सर। मैंने ए दबाया तो फिर कुछ और ही हो गया आगे, देखो FTRP पता नहीं क्या क्या हो गया दिख रहा है, फिल्टर हाँ जी सर। के आगे भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है टी जैसा कुछ दिख रहा है, जी जहाँ फिल्टर लिखा उसके नीचे टी जैसा कुछ दिख रहा है, मैं टी प्रेस कर रहा हूँ, कुछ हुआ, हट अभी गया तो फिल्टर, आउट आपने ऑफ देखा ही नहीं, गया फिल्टर हट गया, फिल्टर। कैसे हटा, माउस नहीं पकड़ा मैंने अभी, ठीक ओके है। सर, आपने बहुत ही मजेदार सवाल पूछा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। अच्छा मीनाशु जी, बेसिकली कीबोर्ड हमें शॉर्टकट यूज करने चाहिए तब जब हमें उसमें टाइम सेविंग की जो है पॉसिबिलिटी दिख रही हो, ओके। ओके सर। हाँ कीबोर्ड शॉर्टकट तब हमारे लिए बहुत कारगर है जब हमें क्या हो टाइम सेव हो रहा हो, शॉर्टकट मीन शॉर्टकट। अब कई जगह एक्सेल में आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने हैं, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, उस दौरान हमारे लिए शॉर्टकट की उतने मुनासिब नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट की हर बार हमारे लिए शॉर्टकट हो, कभी कभी वो लॉन्ग कट भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा सवाल ओके पूछा सर। आपने, जैसे जैसे कट कॉपी पेस्ट है, जितनी देर में माउस घुमाता हूँ उतनी देर में 10 बार कट कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। सेलेक्ट करना, जितनी देर में माउस से सेलेक्ट होता है उतनी उसे आधे से कम समय में भी मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमें ये सेल्फ इंटेलिजेंसी इस्तेमाल करनी होती है कि कब माउस अप्रोप्रिएट रहेगा हैंडलिंग करने के लिए, टाइम कब कम माउस से लगेगा और कब कम टाइम कीबोर्ड से लगेगा। आगे बढ़े यस सर। जी, तो एक्सेल में हो या एमएस वर्ड में हो, हॉट कीज सबके साथ हैं, तो कई बार हॉट कीज ना हमारे लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग का माध्यम बन जाते हैं, जो ज्यादा समय खर्च हो जाता है उस पे, ओके। सो मैं एक और मजेदार चीज आपको दिखा रहा हूं जिसका नाम है क्या, सॉर्टिंग। मैंने फिल्टर का एक ही वर्जन दिखाया भी आपको, ओके, तो अब मैं आपको दूसरा वर्जन दिखा रहा हूं किसका, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से ही पता लग जा रहा है कि हमें अपने डेटा को अरेंज वे में रखना है, ऑर्डर्ड वे में रखना है, ठीक हो रहा है, हमें अपने डेटा को अरेंज्ड यू नो मैनर में रखना है। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्टडी सेंटर है, दिख रहा है ना, इस अकॉर्डिंग हमारा डेटा क्या हो जाए, ऑर्डर्ड हो जाए। तो अमूमन हम दो तरह का ऑर्डर जानते हैं, एक को हम कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग, ठीक है। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या नाम कहते हैं, थोड़ा थोड़ा यू नो कुछ हिंदी से भी ऐसा आरोही हो जाएगा भी, आरोही आरोही अवरोही, असेंडिंग को आरोही। पक्का? यस सर। क्या नाम है आपका? सर वीरेंद्र सिंह राणा। अरे वाह बीरेन जी, आप तो कतई गजब कर दिया आपने, आप मुझे मुलाकात भी दी आरोही आपने एक बार ना, वीरेन जी मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने मुझे मुझे बताया था ना कि मैं गायत्री शक्तिपीठ में समवेयर कहीं हूँ, यस सर। यस सर। गजब गजब, वेरी नाइस।
तो मैं टेस्ट कर रहा था कि आरोही अवरोही भूल भी गए, किसी को पता भी है करके अभी, यस सर, यस सर, तो मास्टर बीच बीच में टेस्ट भी कर लेता है कभी कभी। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। सो असेंडिंग ऑर्डर हमने सेट करना है, सॉर्टिंग में जाइए। जो ही आप सॉर्टिंग में जाएंगी, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ। सो जस्ट यू विल सी द सॉर्ट विंडो हियर एट द फर्स्ट इज सेइंग अबाउट सॉर्ट बाई, राइट, देन नेक्स्ट सेल वैल्यू, देन ऑर्डर। सो सॉर्ट बाई की अकॉर्डिंग द नेम ऑफ योर यू नो योर कॉलम नेम, कॉलम हेडिंग्स, एकेडमिक सेशन, पहला मेरा हेडिंग का नेम है, यू नो कॉलम का नेम है, फिर ऐसे करके लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने कहा मुझे स्टडी सेंटर कोड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन सेल वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। तो ये कितना मजेदार है, मैं बात करूंगा इस पे आगे, ठीक है। मुझे सेल में जो वैल्यू रखी है, यू नो डू यू नो सेल, आई डिस्कस्ड द सेल वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सेल। सेल में जो वैल्यू रखी है, अभी यहाँ पर की बात करूँ तो ये रखी है वैल्यूज, 11,000 है, 11,125 है, समथिंग समथिंग, ओके। अब ये कह रहा है कि ऑर्डर कैसा होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर कॉलम लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अमूमन मैंने कहा था हम दो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, मैं क्या आरोही अवरोही व्हाट एवर क्या बोला आपने, ठीक है, असेंडिंग जिसको कह रहे थे हम ना, ये क्लिक कर दिया मैंने, ओके, सी सारा चेंज हो गया। देखिए सबसे पहले ये 11,000 वाली सीरीज है, फिर बढ़ते हुए क्रम में है, फिर बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में आप देख लेंगे, मूव करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को, तो आपको पता लगेगा कि सबसे लास्ट में सबसे जो है लार्ज नंबर जो है, इस तरीके से हमें ऑर्डर हो गए। तो अगर अब मैं ये कहूं कि सर मुझे ना ये चेक करना है कि 11,000 वाले जो स्टडी सेंटर है उसमें कितने प्रतिभागी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो अब आपको बहुत ज्यादा जो है ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ये क्रम से लग गए हैं, सीक्वेंस में है। सो सॉर्टिंग हमारे लिए बड़ा यूजफुल होता है, कई बार हम नेम वाइज सॉर्टिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, अगला फिर से सॉर्टिंग में चलते हैं, ये गए। अब बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग की बात अगर हम करें, ये कह रहा है स्टडी सेंटर कोड, मैंने कहा ना स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो, ठीक है। अभी इसमें लेवल ऐड करने का भी होता है, आगे मौका लगेगा इस पर ही बात करेंगे। ये देखिए अब वो वाला जो पहले मैंने प्रीवियस में स्टडी सेंटर कोड के अकॉर्डिंग किया था वो हट गया। अब मेरा जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो कैसे हो गया है देख रहे हैं आप, स्टूडेंट नेम वाइज हो गया, पहले जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनका पहले है, जो फिर बी से हैं, फिर सी से हैं, समथिंग ऐसे करके कुछ आगे बढ़ रही कहानी, ओके। सो मैंने दो चीजें आपको साझा करी, एक सॉर्टिंग और एक फिल्टरिंग, आई थिंक ये सब चीजें आप समझ भी गए होंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है उस पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब, एक तो फॉर्मेटिंग है, मैं आपको फॉर्मेटिंग का मतलब पहले बता देता हूँ। देखो मैंने इस वाले जो आपका रो है इसको मैंने क्या करा हुआ है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में येलो किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, आई थिंक ये बोल्ड हो जाना चाहिए, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। और भी कुछ आपको करना है, आपने कहा सर ये एमसीए को रेड कर देते हैं, मैंने कहा रेड कर दिया मैंने, राइट, सो वट एवर यू कैन। तो ये तो मैंने फॉर्मेटिंग कर दी अपने टेक्स्ट के साथ। अगर मैं चाहता हूं कि मैं टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग कुछ कंडीशन पर आधारित करूं कि ऐसा हो तब ऐसा हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके। मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा देख करके। हम बात करते हैं हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। मैं जरा मीटिंग के एलिमेंट्स को थोड़ा दूर कर लूँ, ये थोड़ा सा छोटा करते हैं विंडो को, ये गड़बड़ कर रहा है मेरे को, डिस्टरबेंस कर रहा है। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, वो का प्रॉब्लम है सर। किसका प्रॉब्लम आ रहा है? यस जी, किसका प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ जी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है, थोड़ी रुक रही है सर, कट रही है बीच बीच में। अच्छा, तो ये इंटरनेट का इशू मुझे लगता है आपकी तरफ हो सकता है, यहाँ तो मुझे तो क्लियर लग रहा है, नहीं सर आ रही है आपकी आवाज ना। आ रही है ये सर ना? हमारा कनेक्शन, हाँ
तो तुम्हारा दिल्ली वाला कनेक्शन ठहरा पे थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, तुम राजधानी के लोग ठहरे भैया। ठीक है, सो लेट्स ट्राई, आगे बढ़ते हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेटिंग का मतलब बताया। अब मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ कंडीशन हमारे साथ जब मैट हो तब कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारा हो जाए। सो क्लिक ऑन दिस। अब इसमें हमारे पास तीन चार चीजें हैं। पहला जो ऑप्शन है दैट इज हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर अगर सेल पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आए वो सेल का कलर चेंज हो जाए, हाईलाइट सेल रूल्स। राइट, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ पर जो सेमेस्टर है वो 6 सेमेस्टर तक है मैक्सिमम। ठीक है, मैंने कहा जब कभी भी ग्रेटर देन 6 हो, देखिए मैं ग्रेटर देन रूल लगाया। ठीक है, तो तब क्या हो जाए। अब अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, जब कभी भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि आप जिस रो पर या जिस कॉलम पर ये अप्लाई कर रहे हैं उसको पहले सेलेक्ट करें। तो मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ईयर और सेमेस्टर पर। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला वाला अप्लाई किया, हाईलाइट सेल रूल्स, और मैंने कहा ग्रेटर देन। मैंने कहा जब कभी भी इसमें ग्रेटर देन 6 होगा, इसका मतलब है किसी ने वो सेमेस्टर की एंट्री गलत कर दी। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम सेमेस्टर 6 ही होते हैं। तो मैंने कहा क्या हो जाए, उस सेल का कलर कैसा हो जाए आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा उसका जो कलर है वो लाइट रेड फिल हो जाए उसमें, लाइट रेड। राइट क्लिक, ओके। ठीक है, कहीं पर है, कहीं नहीं है, सब 6 के अंदर अंदर ही है ना। अब मैं चेंजेस करता हूँ आपके सामने सामने। ठीक है, मैंने कहा ये जो 2 है ना ये गलती से इसको 8 होना चाहिए। ये देखिए मैंने कलर नहीं करा, मैंने कहा ये भी जो है ये सेमेस्टर 7 में चले गया। अब जो मास्टर ऑफ साइंस है उसमें सेमेस्टर 7 होता ही नहीं है। ठीक है, सो ये जो फॉर्मेटिंग है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो अब फिर से देखते हैं एक बार। अब मैं पहले से इस पे जो हाईलाइट रूल है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है, वरना ये क्रॉस एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ पर आना, क्लियर रूल्स। पहले आप सेल्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो रूल आपने अप्लाई करे हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए। कहाँ से क्लियर करना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अगर आपने अपने बहुत सारे आपके इस पे रो कॉलम हैं, बहुत सारे सेल हैं, आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल लगा रखे हैं और आप एक साथ सब कर देंगे तो सारे आपका किया धरा खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, जो मैंने सेलेक्ट किया उसी में से मुझे डिलीट करना है, देन डिलीटेड। ओके, अब क्या करते हैं, चलो अब कुछ और देखते हैं। राइट, अब यहाँ पर बात करते हैं। अब मुझे पता है कि मेरा जो सेंटर कोड है उनकी एक सीमा है, उनका एक रेंज है। राइट, सो लेट्स मूव। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले सेलेक्ट कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर गए हाईलाइट सेल रूल्स पर। ठीक है, बिटवीन, ठीक है बिटवीन वाला लगाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा बिटवीन क्या क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, इन बिटवीन। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा मेरा जो बिटवीन है वो यहां से शुरू है और वो यहां तक है, 1991000 तक है। ठीक है, अब अगर इसके अलावा कोई भी, यहां से आप अपना फॉर्मेटिंग सेट कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी सेंटर नंबर आएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये गलत सेंटर डाल दिया किसी ने। ये मैंने फिक्स कर दिया, देखिए ये देखिए मुझे पता है गलत सेंटर है, देख रहे हैं। तो हम कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए इसका मतलब जो मैंने रेड फिल करा है, रेड टेक्स्ट विथ रेड फिल, लाइट रेड फिल, मैंने मान के चला इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो गलत सेंटर डाल दिया किसी ने। सो हम अपने डेटा पर चेक भी लगा सकते हैं इस तरीके से कि मैं अंदाज लगा लूं कि कौन सा जो डेटा है वो किस तरीके से इस पे फिल किया जा रहा है। ओके, और एक आध चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फिर से मैं चाहूँ इसको हटा दूँ, सेलेक्ट कीजिए, फिर से जाइए फॉर्मेटिंग पे और क्या कर दीजिए, इसको कई बार आ रहा होगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, हट गया। सो ऐसे तरीके से हम काम कर सकते हैं, मैं एक बार इसमें करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए डेटा बार्स भी लग सकते हैं, कलर भी स्केल कर सकता है ये, है ना, और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। टॉप 10 निकालना है, देखिए टॉप 10 जब आपके पास न्यूमेरिक रेंज होगा, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, वो टॉप 10 में भी आपको मार्क कर देगा। हालांकि इसमें तो हमारे पास इस तरह का डेटा है ही नहीं, जैसे आपके पास रिजल्ट का डेटा है या कोई सेल्स का डेटा है,
उसमें से आपको टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10, व्हाटएवर निकालने में फिलहाल फिर भी एक बार आपको जो है ट्राई करता हूँ, लेट्स ट्राई। हालांकि इसमें नहीं है या ना टॉप बॉटम रूल सारे ना, ये टॉप 10% दिखा रहा है, इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम। टॉप 10 आइटम आ रहा है, अब इसको कटा के कर दीजिए टॉप 3। ठीक है, इसके टॉप 3 कैसे हो जाएं, ये टेक्स्ट आप बदल दीजिए ग्रीन फिल विद ये समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 हैं वो आपको पता लग जाएगा टॉप 3 कौन कौन से हैं, दिख रहा होगा आपको ये देखिए। ठीक है, एक दो और भी है क्या, ये देखिए टॉप 3। टॉप 3 में आपने देखा क्या हुआ करके, 6 2 टाइम्स है तो वो एक टॉप 3 है। ठीक है, एक बार 8 है। ठीक है, जो टॉप 3 है तो वो निकल सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जिसको हम एक्सेल में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई थिंक इट्स यूजफुल फॉर यू ऑल। चलो मैं यस आगे सर, बढ़ता हूँ, कुछ और चीजें आपके साथ साझा करता हूँ। मैंने फिलहाल इसकी जो क्लियर रूल्स था वो हटा दिया यहाँ से, क्लियर रूल्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें और भी ऑप्शन है, मैं एक एक करके नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। इनको आप अपने हाथ से ट्राई कीजिएगा ये कैसे अप्लाई होते हैं करके, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बता पाना 1.5 घंटे में असंभव है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं जिसके बावजूद आप आगे को कुछ अपना हाथ पांव इसमें मार सकते हैं, अपने हाथ से कुछ कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर पाए ऐसा मैं चाह रहा हूँ। ओके, कुछ कहना चाह रहे थे? चलो मैं आगे बढ़ूं। यस सर, यस सर। अब हम अगला जो हमारा स्टेप है वो यह है कि इस एक्सेल शीट को मुझे प्रिंट करना है। मैं प्रिंट कैसे करूं, सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को तब आती हैं जब आप इसको प्रिंट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रिंट करने में क्या होता है, कुछ डाटा कट जाता है, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो पाता, हमें पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है करके। तो अगर मुझे प्रिंट करना है, मैं इस पूरी शीट को प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है लास्ट वाला कॉलम मेरा क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, और फर्स्ट कॉलम में एकेडमिक सेशन है, और मुझे लगता है कि 135 तक इसमें हमारे रो हैं। तो आप गए सीधे सीधे, आपने कहा सर मुझे ना प्रिंट करना है, फाइल पे गए, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा, या इसका शॉर्टकट कंट्रोल पी भी है, और आपने जो है इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप अगर ऐसे ही ब्लाइंड होकर के प्रिंट करेंगे अगर आप ऐसे ही ब्लाइंड होकर के प्रिंट करेंगे, देखो आपने यहाँ पर प्रीव्यू पे नजर करा क्या हो रहा है करके, दैट इज प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपके पास में यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है, मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था लास्ट वाला जो कॉलम है वो क्या स्टूडेंट नेम है, जबकि यहाँ तो स्टूडेंट नेम है ही नहीं। तो ऐसी ही गलतियां हमसे होती हैं जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं। ओके, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी जो जो स्लाइड है, जो जो अपना सीट है, वो ठीक प्रिंट हो रहा है? तो हमें इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर मैं ऐसे प्रिंट कर दूं तो मेरे पास कितने कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ओनली 4 कॉलम। अब मैं क्या करूं कि ये प्रॉपरली प्रिंट हो जाए, सबसे पहले आप यहां पर जाइए पेज सेटअप चेक कीजिए एक बार। ठीक है, जितना आपसे एडजस्ट हो सकता है उसको कोशिश कीजिए एडजस्ट करने की। ये मार्जिन है, पेज का मार्जिन मतलब वो एरिया जो नॉन प्रिंटेबल है, मैं उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने कहा 0.8 कर दिया मैंने इसको, यहां से भी कर दिया, राइट से भी 0.8 कर दिया। ठीक है, ये राइट, और देखते हैं, चेक करते हैं और क्या क्या हो सकता है। जब मैं इसमें ओके करूंगा तो आप यहाँ देखिएगा कुछ चेंजेस होंगे, देखिएगा हाँ ये देखिए हुआ, कुछ चेंज हुआ, लेकिन अभी भी लास्ट वाला जो कॉलम है ना प्रोग्राम कोड ही आ रहा है। अब क्या करूं, अगर बहुत ज्यादा मार्जिन कम करेंगे तो मेरा जो लेफ्ट या राइट साइड का टेक्स्ट है वो डिलीट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अब क्या करूं, फिर से पेज सेटअप पे गया, यहाँ पर एक 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 चीज लिखी आ रही स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जैसा टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जैक्ट उसी साइज पे प्रिंट होगा। तो मैंने इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा कम कर दिया, देखिए मैंने कहा ये 85% में प्रिंट हो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं इसको जो है ओके करूंगा, यहाँ देखिएगा कुछ चेंज होगा, देखिएगा कुछ चेंज हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सर ओवरलैप हो गया, लेकिन नेम अब भी नहीं आ पाया, ईयर सेमेस्टर तक आ गया लेकिन नेम अब भी नहीं आ पाया। देखिए अब मैं क्या करूं कि मेरा इसमें जो है पूरा आ जाए, अब मेरे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। सो मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं अपने पेज का ओरिएंटेशन चेंज करता हूं। हमारा पेज का ओरिएंटेशन दो तरीके का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप।
जिस पेज की हाइट ज्यादा और विड्थ कम होती है उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, जिसका विड्थ ज्यादा हाइट कम होती है, आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो मैं जब नहीं आ पा रहा तो अपना पेज को मैंने क्या कर दिया, लैंडस्केप कर दिया। देखिए सब आ गए, आराम से आ गए, अच्छा लगा, आई थिंक सो आपको देख के समझ में आया होगा। अब आपको ये चाहिए कि नहीं सर ऐसा तो नहीं करना है मुझे, पेज तो जो है क्या लेना है, पेज मुझे पोर्ट्रेट ही लेना है जिसकी हाइट ज्यादा हो, ऐसे ही लेना है, तो फिर आप प्रिंट मत कीजिए। अब चलिए अब आपकी सीट पे कुछ चेंजेस करते हैं, वहां कुछ खचबच करते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं फिर इसका मतलब। ठीक है चलो, मैंने प्रिंट ऑप्शन कैंसिल कर दिया, फिर से हम अपनी सीट पे आ गए, ये हमारी सीट है। ओके लेट्स, इस सीट पर मैं क्या करूं कि मेरा ये प्रॉपरली आ जाए। तो पहला सीधा ऑप्शन है कि हम इनकी थोड़ा सा रेंज कम कर लेते हैं अपने हाथ से मैन्युअली। देखिए इस पे आराम से फिट हो सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिक कोड है और रीजनल सेंटर आ रहा है, चाहे तो थोड़ा ऐसे बड़े आ जाए चलेगा। इसकी थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं, मैंने फॉन्ट कम कर दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा इस तरह कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमने और कम कर दिया। ईयर सेमेस्टर वाले को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, इसमें 1 2 की वैल्यूज रखी हुई हैं। ठीक है सी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और चाहे तो और कम कर सकते हैं, इसलिए आपको एक्सेल में ये सब चीजें करनी आनी चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा और कम कर दिया, और कहीं कम हो सकता है, और अगर आपको लगता है कहीं कम हो सकता है तो कर दीजिए, थोड़ा और कम इधर हो हेलो गया। हेलो ठीक है, उधर इधर भी कुछ कम हो सकता है। राइट सर, रीजनल सेंटर कोड भी कम जी हो सकता है, थोड़ा रीजनल सेंटर कोड अगर एडजस्ट हो यस, सकता है सर, रीजनल सेंटर अब कोड। कोशिश तो कर रहे हैं हम। ठीक है ओके ठीक, डन ठीक, ओके। अब फिर से चलते हैं प्रिंट के लिए, फाइल में गए, फाइल में गए, कहाँ गए, प्रिंट। ठीक है देखिए खुद ही आ रहा है। ये थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या हम इसका थोड़ा सा स्केलिंग बढ़ा दें, मैंने 85% करा था, जस्ट ट्राई टू मेक इट 90%, लेकिन फिर कट गया कुछ बहुत, तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा कम ही करता हूँ 85, और हाथ से टाइप भी कर सकते हैं आप, मैंने इसको 86% कर दिया। सी क्या हो रहा है, आई थिंक अब आ गया, पूरा आ गया। ठीक है अगर आपको चाहिए कि अगर थोड़ा सा मार्जिन में आप कुछ और एडजस्टमेंट हो सकता है यू मे, अब ये कह रहा है आपका 3 पेज में छप जाएगा, दिख रहा है। ठीक है अगर आपको चाहिए कि आप मार्जिन में थोड़ा चेंजेस करें, 3 पेज तो लग ही रहे, थोड़ा मार्जिन और प्रॉपर कर ले, ऊपर से कुछ हमें लिखने को हो जाएगा, आप ये सब चीजें भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कर दिया ओके, ठीक है थोड़ा सा मेरा मार्जिन प्रॉपरली तैयार हो गया। तो मेरे को ये बताने के पीछे आशय ये था कि जब भी आप प्रिंट करें आप सीधे प्रिंट ऐसे ना कर दें कि मैंने आज प्रिंट कर देना है इसको, ये सब चीजें देखने समझने की हैं, और अगर ये सब चीजें देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बहुत सारा कागज भी बचेगा और आपको एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी। और ये आपका पेपर साइज है, अमूमन हम A4 साइज में इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं PDF की तरह प्रिंट करूँ, मुझे पेपर में प्रिंट नहीं करना है, इसका PDF फाइल बनाना है। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जो अब नए ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आपका PDF प्रिंट ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है, मैंने PDF सेलेक्ट करा और इसको प्रिंट कर दिया, देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, अब ये मुझसे कहता है कि मैंने प्रिंट कर दिया, PDF कहीं सेव करो, मैंने डेस्कटॉप इसके लिए जगह चुनी है और इसका नाम रख दिया है टेस्टिंग। ठीक है टेस्टिंग _PDF भी इसका मैंने नाम रख दिया, देखते हैं क्या नाम क्या होता है इसका। डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव करा है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है, ये हुआ भी नहीं हुआ करके ओपन करते हैं इसको। ठीक है, ये मैं आपको स्टॉप शेयरिंग करके दिखा रहा हूँ PDF मेरा कैसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये है मेरा testing.pdf, ऐसा ओपन होके आया है, दिख रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा मार्जिन हम और एडजस्ट कर सकते थे, लेफ्ट की ओर से कम मार्जिन है, राइट से थोड़ा ज्यादा मार्जिन है, ये हम अपने अकॉर्डिंगली वहां पर एडजस्ट कर सकते थे। ओके, ये देखिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज होके आ गया है। ऐसे करके हम लोग डेटा को PDF फॉर्म में भी ला सकते हैं एक्सेल से।
आई थिंक ये आपको देख के अच्छा लगा होगा, होप सो। फिर से एक्सेल में चलते हैं और मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई सवाल? इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। ठीक है, चलो एक आध चीजें मैं आपके साथ और साझा करता हूँ, ठीक है। ये हमने आपको दिखाया करके, सो एक बहुत बेहतरीन मैं आपको रिसोर्स बताने जा रहा हूँ कि अगर आप और बेहतर एक्सेल में करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। पहले मैं उसका इंट्रोड्यूस आपको करा दूँ। हमारे पास एक साइट है जिसका नाम है ईजी एक्सेल, ठीक है। ईजी एक्सेल मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूँ, ताकि आप इस सेशन के बाद भी, इस वर्कशॉप के बाद भी अपने आप को यहाँ से जो है रिफ्रेश कर सकें। मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करके। सबसे पहले मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा, इजी एक्सेल पे ले जाना है आपको। मुझे ये दिख रहा है इजी एक्सेल, ओके। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। मैं ये कॉपी करके आपके इस पे लिंक भी भेज रहा हूँ, ताकि आप कभी इसको प्रैक्टिस भी कर पाए। ये चैट बॉक्स है, वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही है अंकित भाई। अंकित भाई वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्या बात? ठीक है, मैसेज दिख रहा है? अरे कुछ अपनी बातचीत करने लग गए आप लोग तो। किसलिए बुलाया? अरे मेरा भी तो आपको आराम नहीं करना दवाई? ओके, आराम भी करते रहो, दवाई भी लेते रहो, अपना भी ध्यान रखो, ठीक है। मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, आपको दिख रहा होगा, इसको आप यूज भी करेंगे। इसकी विशेषता यह है कि देर आर वेरी इजी काइंड ऑफ यू नो एग्जाम्पल्स। आप उन एग्जाम्पल को बहुत आराम से, तसल्ली से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक आध करके दिखा रहा हूँ कैसे आप इनको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सी आपको क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे बेसिक रिबन के ऑप्शन देखने हैं, वर्कबुक देखना है, वर्कशीट देखना है, फॉर्मेट सेल देखना है ना। तमाम तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शीट प्रिंट कैसे करते देखना है, प्रोटेक्ट देखना है ना, काउंट और सम के। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको फंक्शन दिखाता हूँ, क्लिक कर दीजिए। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इस साइट पे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको एक बार एक्सेस करने का प्रयास कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, बहुत कमांड मिलेगा। एक्सेल इज अ फुल ऑफ फंक्शनैलिटीज, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। मैंने आपको जो शुरुआत में एग्जाम्पल दिखाया था, अभी मैं फिर से वहां ले जाने वाला हूँ। मैंने सारा का सारा उस पर कोड कर रखा है, बहुत कम ऐसा है कि मैंने उसको मतलब मैनुअली किया हुआ है। मैक्सिमम जो है वो मैंने कोडिंग पे करके रखा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा। ये साइट खुल नहीं रही, आई डोंट नो क्या कोई दिक्कत है। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, हम ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक आध चीजें मुझे आपको बतानी है कि हम एक्सेल पे कैसे काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला रिलेटेड वर्क, ठीक है। तो बजाय मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैंने आपको लिंक भेज दिया, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। आपके पास जब भी इंटरनेट चलेगा आप अपने हाथ से इस पे ऑप्शन ट्राई कीजिएगा। सो अगेन आई एम कमिंग बैक टू टेस्ट यू नो टेस्टिंग शीट जो हमने रखा हुआ है। तो मैं इसमें दो चीजें मैंने आपको बताई, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शन है, जो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला कैसे स्पेशली कैसे लिखते हैं। कुछ कुछ मैं आपको मेन मेन चीजें बता के दिखाना चाह रहा हूँ, हालांकि खुल गया शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से, एक बार में करके दिखा देता हूँ। जी जो इजी एक्सेल वेबसाइट बताइए सर, उसमें हम क्या 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 कर सकते हैं, किस चीज के लिए यूज होगा सर वो? जब तुम उसको खोलोगे तो पता लग जाएगा उसमें क्या क्या यूज होगा। बहुत आसानी से पूरा एक्सेल तकरीबन 500 के आसपास मुझे लगता है उसमें एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मेरे सामने स्क्रीन शेयर कर रखा है, ओके ठीक है सर, शेयर स्क्रीन आपको हो रखा है। जरा मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाना चाह रहा था, मुझे काउंट फंक्शन चेक करना है, मैं काउंट फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कितना बेहतरीन उसने बता रखा है। तो कल आप मुझसे पूछ रहे थे सर अर्निंग कैसे हो सकती है, ऐसी अर्निंग हो सकती है। देखो अगर हम ऐसे ऑप्शन सीखेंगे
तो हमारी तो स्किल हाथों हाथ बिकेगी। ये तो एक बहुत बेसिक सी बात हम आज बात कर रहे हैं आपसे। हम हमारे पास इस तरह के हजारों तरह के टूल्स हैं जहां पर हम अपने आप को जो है स्किल्ड करें और उसके बाद उस स्किल को सेल करें। आप देखिए ना, हर कोई आदमी स्किल्स तो बेच रहा है। आप बड़े अस्पताल में जाते हैं और वहां पर डॉक्टर से मिलते हैं, आपका एक ही बार का अपॉइंटमेंट 2,500 रुपये 3,000 रुपये होता है, जो मुश्किल से डॉक्टर आपको 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम बात करता होगा। तो व्हाट इज ही डूइंग, ही सेलिंग हिज सेलिंग हिज स्किल्स, हर स्किल्स। सो आप भी स्किल्ड होने की तरफ बढ़िए। मैंने काउंट का फंक्शन सामने रखा हुआ है, किसी ने ये साइट भी बनाई होगी, वो भी तो अपने स्किल बेच रहा है। हम लोग इस पे हजारों की संख्या में पर डे का विजिट है। देखिए उसने क्या करा है, A5 A1 से लेके A5 तक काउंट कर दिया और उसने बता दिया टोटल कितने हैं करके। तो यही हम भी करके दिखा सकते हैं आपको। आइए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको सपोर्टिंग हैंड दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम ये समझ पाए। देखिए मैंने कहा कि मैंने अभी तक तो आपको गिन के बताया था, ये मेरा रो का नंबर है, क्या है, B2, ठीक है। और मेरे लास्ट वाला रो कौन सा है, मैंने आपको बताया था, क्या है, क्या है, 135। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे पता करने टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। हम ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल का साइन। मैंने कहा मेरे इसमें B2 से लेकर के, B मेरा कॉलम है, 2 मेरा रो है, से लेकर के B135 तक कितने जो सर, है वो है, कितनी संख्या है, टोटल काउंट में कितनी है। तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखूंगा CONT, काउंट, एक्सक्यूज मी ये सर, लगाऊंगा। जी सर आपकी स्क्रीन वो फ्रीज हो गई है, यही वाले इजी एक्सेल वाले ही दिख रहा है। चलो मैं दूसरी दिखाता हूँ। थैंक हाँ जी, यू। वेलकम। शेयर स्क्रीन, टेस्ट एक्सेल, शेयर। देखिए ये मैंने क्या करा, इक्वल का साइन लगाया, काउंट लिखा, उसके बाद रेंज बताई कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, B2 से लेकर के B135 तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये बता रहा भैया आपके पास 134 रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। अब सपोज मेरे पास कुछ सम करने का था, मैं आपको फंक्शन लिखना सिखा रहा हूँ कि हम फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये पता नहीं कि सबसे जो है लार्ज नंबर क्या है, ठीक है। मैंने कहा मुझे मैक्स फाइंड करना है, मैक्स। आपने लिखा इक्वल MAX, मैक्स एक फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, जो फंक्शन इसमें होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। अब कहाँ से ढूंढना है मैक्स, मैक्स ढूंढने के लिए रेंज तो बतानी पड़ेगी, वही मैंने कहा B2 से लेकर के, आज जब रेंज में आप सिलेक्शन करेंगे तो बीच में कोलन लगाएंगे, कहाँ तक, B135 तक, ठीक है। अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गई, कह रहा है कुछ गलती करी आपने, क्या गलती करी है, मैंने 2 बार लगा दी हो, ठीक है। तो ये एरर भी बहुत जल्दी करता है। देखिए कह रहा है आपके पास क्या है, मैक्स जो संख्या है वो 19 है, ठीक है। ऐसे आपको मिनिमम ढूंढना है, एक बना बनाया फंक्शन है MIN, ठीक है। साइन लगाइए, रेंज बताइए, आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मैंने कहा B2 से लेकर के B135, ठीक है, मिनिमम संख्या क्या है, 11 है। सो ऐसे कुछ छोटे छोटे फंक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इजी एक्सेल में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कितने सारे फंक्शन ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हैं खुद से, ठीक है। मैं और दिखाता हूँ आपको इजी एक्सेल में, फिर से लेके चल रहा हूँ, ये देखिए देखिए, ठीक है। उसने सम का, काउंट इफ का, सम इफ का, काउंट IFS का, तमाम एग्जाम्पल करके दिखाए हैं। मैं भी आपको ये दिखा सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप एवरेज का, ठीक है, मैं एक बार आप बैक करके दिखाता हूँ और क्या क्या फंक्शन है। देखिए ये लॉजिकल टेस्ट है, इफ एंड और नॉट कैसे कर सकते हैं, सेल रेफरेंसेस, मैं एक बार सेल रेफरेंस भी आपको दिखाऊंगा, मैं तो खुद करके भी दिखाऊंगा इसको भी, ठीक है। डेट टाइम के हैं, टेक्स्ट के फंक्शन है, ठीक है। मैं, मेरे पास एक बड़ी समस्या आई कि हम इसको कैसे करें करके, मैं आपको अब दिखाता हूँ। अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे पास कोई फोन नंबर किसी ने दे दिए थे मुझे एक बार का, मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, बड़ी परेशानी भी, करीब करीब 60,000 रिकॉर्ड थे। उसमें से हमें क्या करना था, इस तरीके से कुछ हमारे पास रिकॉर्ड रखे हुए थे, जैसे समथिंग लाइक दैट 9198375771521। कितने हो गए, 11 हुए, ज्यादा हुए, देख लेते हैं। हाँ 3 5 7 11 कुछ इस स्टाइल में नंबर रखे हुए थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको, आज तो मैंने एक ही नंबर रखा हुआ है, इसमें कुछ एक नंबर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। अब हमसे ये कहा गया
कि भैया इसमें से स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप कहाँ रखिए, शेयर फिर से वही करते हैं, शेयर टेस्ट शेयर। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे तरीके से आपके पास करीबन 50,000 रिकॉर्ड हों और मैं आपसे कहूँ इसमें से 10 डिजिट वाला फोन नंबर चाहिए, क्या करेंगे आप? आप मैनुअली अगर इसको करने लगेंगे तो दिन लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, राइट? सो ये जो डिजिट है, ये 11 डिजिट है, इसमें पहले के इधर से 2 डिजिट जो है वो कंट्री कोड है, ओके? तो क्या तरीका है इसका, मतलब अब तो फिर से शरण में जाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन आता है, उसको टेक्स्ट का फंक्शन है मेरे ख्याल से, लेफ्ट समथिंग कुछ उसका नाम है, ठीक है। रेंज क्या है, I2